मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का रोल प्ले करने वाले फेमस एक्टर गुरचरण सिंह चार दिन से लापता हैं। एक्टर कुछ दिन पहले अपने पिता का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन वो एयरपोर्ट से ही गायब हो गए। गुरचरण सिंह के अचानक गायब होने से उनके फैंस चिंता में हैं और उनके पिता ने भी शिकायत दर्ज कराई है। गुरचरण सिंह का फोन भी बंद है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन को अपना पिता बताने वाली महिला ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और मामले में कुछ भी ऐसा नहीं पाया जिससे कि टेस्ट की जरूरत पड़े। कोर्ट से राहत मिलने पर रवि किशन ने कहा कि उन्हें न्याय तंत्र पर पूरा भरोसा है और मामले में जिन जिन लोगों ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की उन सबको जेल जाना होगा। संजय लीला भंसाली पीरियड ड्रामा सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार से अपना ओटीटी डेब्यू करने वाले हैं। रिलीज के पहले ही हीरा मंडी का जेनेलिया डिसूजा ने रिव्यू दिया और इस रिव्यू में संजय लीला भंसाली की उन्होंने जमकर तारीफ की। हीरा मंडी वेब सीरीज इन दिनों लाइमलाइट में है। एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी इस सीरीज में बिब्बो जान का किरदार निभा रही हैं। हीरा मंडी अंग्रेजों के जमाने के भारत में लाहौर में रहने वाली तवायफों की कहानी है। इस साल की शुरुआत में अभी तक अजय देवगन की दो फिल्में शैतान और मैदान रिलीज हो गई है। पहली फिल्म शैतान ने जमकर कमाई की, दूसरी फिल्म मैदान अभी तक 50 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा कपूर इंडस्ट्री में सबसे पसंदीदा स्टार किड्स में एक हैं। शुक्रवार को आलिया अपनी बेटी के साथ करीना कपूर खान के घर पहुंची। एक बार फिर से राहा की क्यूट हरकतों ने हर किसी का दिल जीता। अक्षय कुमार की हाल ही में फिल्म बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई है। इस बीच अक्षय को लेकर बड़ी खबर सामने आई। अक्षय कुमार के बाएं हाथ पर चोट लगी है और उनके हाथ में क्रेप बैंडेज भी दिखाई दिया। रेप मामले में सजा काट रहे हॉलीवुड के दिग्गज प्रोड्यूसर हार्वे विंस्टीन को लेकर न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट दिया। 7 जजों की बेंच में 4 जज सजा के विरोध में हैं, तो 3 जज सजा के पक्ष में थे। हार्वे विंस्टीन पर आरोप के बाद ही मीटू मूवमेंट शुरू हुआ था।